सत श्री अकाल। चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हूं। खबरों की शुरुआत तो पहले एक नजर मार लें सुर्खियों के वल। खेडां वतन पंजाब दियां सीजन टू उद्घाटनी समारोह च मुख्यमंत्री भगवंत मान खेडणगे वॉलीबॉल के मैच। खेडां वतन पंजाब दियां दा करनगे उद्घाटन। पंजाब सरकार वालों बंदी किसानों की की गई रिहाई। किसानों ने सूबा सरकार वालों किए गए लाठीचार्ज की की निंदा। गैंगस्टर की पार्टी च खाखी दे भंगड़े। गैंगस्टर पार्टी च मेहमान बनी अमृतसर पुलिस। कमल बोरी की पार्टी शामिल हुए अधिकारी। अते हुण खबरां विस्थार दे नाल। खेड विभाग वालों करवाईयां जा रही खेडां वतन पंजाब दियां दे सीजन टू के उद्घाटनी समारोह मौके सभ्याचारक प्रोग्राम तो इलावा वॉलीबॉल रगबी ते रस्साकसी के प्रदर्शनी मैच खिच दा केंद्र होंगे। खेडां दा उद्घाटन मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करनगे ते वॉलीबॉल मैच भी खेडणगे। इसे तरह फिल्मी अदाकार ते साबका रगबी खिडारी राहुल बोस रगबी मैच में जोहर दिखाउणगे। पंजाब दे खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीथियर ने इसकी जानकारी पंजाब भवन विखे खेडां दीआं तैयारियां लई सद्दी समीक्षा मीटिंग उपरंत जारी प्रैस बयान राही दित्ती है। मीथियर ने दस्सिया कि इस वेले मशाल मार्च पंजाब दे हर जिले च जा रहे हैं जो हुशियारपुर पहुंच चुके। बठिंडा के शहीद भगत सिंह खेड स्टेडियम विखे होने वाले उद्घाटनी समारोह तो पहला खेडां की मशाल सूबे भर के सारे जिलों का गेड़ा लगाने तो बाद बठिंडा पहुंचेगी, जिसनों रंगारंग उद्घाटनी समारोह दौरान पंजाब का नाम रोशन करने वाले कौमांतरी खिडारियों वालों स्टेडियम का चक्कर लगा के जलाया जाएगा। मार्च पास्ट में सारे जिलों के खिडारी हिस्सा लेंगे तो खिडारियों वालों सच्ची सुची खेड भावना खेडण की सौंह चुकी जाएगी। पंजाब सरकार वालों जेल विच बंद किसानों की रिहाई की गई है। दस दिए कि पिछले चार दिन तो पंजाब दे टोल प्लाजे ते पक्के तौर ते किसानों वालों धरने लगाए गए सन। किसान आगुआं दा कहना सी कि जदों तक साडे किसान जेलां चों रिहा नहीं किते जांदे धरना जारी रहेगा, जिसके चलते एक किसान प्रीतम सिंह इस अंदोलन विच शहीद भी हो गया सी। पंजाब सरकार वालों किसानों दीआं शर्तां नूं मानदे होए केंद्रीय जेल विचों किसान आगुआं नूं रिहा किया गया। किसान आगू सरवन सिंह पंधेर ते होर किसानों दा किसान आगुआं वालों निघा स्वागत किया गया। इस मौके किसान आगू सरवन सिंह पंधेर ने मीडिया नाल गल करदिआं कहा कि उन्हां दा 22 अगस्त में चंडीगढ़ का मोर्चा सी। केंद्र ते सूबे की सरकार हड़बड़ाहट चाहियां तो उन्हां वल्लों 21 तरीक नूं किसान आगुआं दे घरां च छापेमारी करके उन्हां दी गिरफ्तारियां कीतीआं गईआं, जिसकी वह निंदा करदे ने। जिहड़े सधारण जख्मी होए उन्हां नूं 1 लाख रुपया, जिहड़े गंभीर जख्मी होए आ उन्हां नूं 2 लाख रुपया और शहीद भरा नूं नौकरी ते मुआवजा दिता जाऊगा। तो केंद्र नाल गल करावांगे। मैं तुहानूं याद दवा दिया साडीआं मंगां सी वी उत्तर भारत दे विच हड़ आए आ, केंद्र 50,000 करोड़ रुपया सानूं पैकेज वजों जारी करे और ये 50,000 रुपया प्रति एकड़ मुआवजा देवे किले का, जिन्हों का जानी नुकसान उन्होंने 10 लाख रुपया, जड़े कोठे ढह गए मकान ढह गए 5 लाख रुपया, जिन्हों के पशु मर गए उन्होंने 1 लाख रुपया, एक साल वास्ते जिन्ना भी लोन आ वह पोस्टपोन किया जाए, ब्याज माफ़ किया जाए और ये नाल दी नाल जिन्ना खेतों में मिट्टी रेत भर गई आ वह माइनिंग करने का अधिकार दिता जाए। ये MSP गरंटी कानून दिल्ली अंदोलन का वादा किया साढ़े न हाले तक वो पूरा नहीं किया है। दिल्ली अंदोलन जिन्हें केस पाए आ वापस लैने ते शहीदां दीआं नौकरियां ते मुआवजा पूरा करना और ये 200 दिन नरेगा जिहड़ी आ चलाई जाए। यह मंगां नूं लैके मोर्चा जारी सी, जारी है और जारी रहेगा। गैंगस्टर दी पार्टी च खाकी दे भंगड़े पेंदे तुसी देखे ने तां देखो फिर अमृतसर विच गैंगस्टरां दी पार्टी चल रही है, जिथे अमृतसर पुलिस मेहमान बनी भंगड़े पा रही है। पुलिस मशहूर गैंगस्टर ते दड़े सट्टे का कारोबार करने वाले कमल बोरी की पार्टी विच शामिल हुई है, जिस विच जिले के उच्च अधिकारी DSP रैंक के अधिकारी भी शामिल होकर गैंगस्टरां दे नाल गाणियां ते ठुमके लगा रहे हैं, जिस विच DSP ते इंस्पैक्टर रैंक के अधिकारी भी शामिल ने। इसकी वीडियो सामने आने पर पुलिस कमिश्नर वालों इन्हों वीडियोज़ विच दिख रहे अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। पुलिस वालों कई थाणियां दे मुखी का तबादला भी कर दिया गया।
जलंधर दी एसटीएफ दी पुलिस वालों लगातार अमृतसर दे विच नशे दी रोकथाम नूं लैके रेड की जा रही है ते नशे दे सौदागरां नूं काबू किया जा रहा है। इसे दे चलदे एसटीएफ दी टीम वालों लगातार नशे दे नैक्सस नूं तोड़न दी कोशिश की जा रही है ते टीम इस विच कामयाब भी हो रही है। इसे लड़ी दे चलदे जलंधर दी एसटीएफ दी टीम वालों राजा संसी हवाई अड्डे दे कोल मुखबर दी सूचना दे आधार ते आन जाण वाले वाहनां दी चैकिंग की जा रही सी। एसटीएफ अधिकारी ने दस्सिया कि चैकिंग दौरान अमृतसर रोड तो एक मोटरसाइकिल ते सवार तीन नौजवान आ पुलिस पार्टी नूं वेख के भजन लगे। जदों उन्हां नूं काबू किया गया तो उन्हां दी तलाशी लई गई ते उन्हां दे कोलों 510 ग्राम हैरोइन बरामद हुई, जिन्हां दे खिलाफ एनडीपीसी एक्ट दे तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है, जिन्हां तों रिमांड दौरान होर भी खुलासे होने की संभावना है। स्कूलों भेजन की मांग को लेकर पिछले साल टेस्ट राही चुने गए 4161 अध्यापकों चो 168 शरीरक सिक्ख्या अध्यापकों ने सरकार वालों नौकरी से ज्वाइनिंग न करवाए जाने रोस वजो सिक्ख्या मंत्री दे पिंड गंभीरपुर के नज़दीकी पिंड ढेर विखे पानी वाली टैंकी से चढ़ के सरकार खिलाफ नारेबाजी की गई। इन अध्यापकों का कहना है कि उन्हों की काउंसलिंग होने के बावजूद भी सरकार ने अजे तक उन्होंने स्कूलों नहीं भेजा, जिसके चलते मजबूरी बस इन्हों पानी वाली टैंकी से चढ़ना पे। अध्यापकों ने मांग की कि जल्द ही इस संबंधी लिखती पत्र जारी किया जाए तो जेकर कुछ अनसुखावी गल होंगी है तो उस सरकार जिम्मेवार होगी। हिमाचल प्रदेश से पंजाब के वख-वख जिलों में मीह कारण आए हड़ां नूं ध्यान विच रखदिआं पंजाब सरकार ने बच्चों की सुरक्षा लई एडिड मानता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में 26 अगस्त तक छुट्टी का ऐलान किया। सिक्ख्या मंत्री पंजाब हरजोत बैंस ने भी अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट पा के इस गल की जानकारी सांझी की है, पर इसके बावजूद गुरदासपुर का मैरीटोरियस स्कूल खुले है तो समूह स्टाफ नूं स्कूल विच हाजिर होने लई कहा गया। मैरीटोरियस स्कूल के स्टाफ का कहना है कि जदों सरकार ते जिला सिक्ख्या अफसर ने सारे स्कूल बंद करने के हुक्म दिए ने तो फिर मैरीटोरियस स्कूल क्यों खोलिया गया। मामले संबंधी स्कूल के प्रिंसीपल रमेश ठाकुर का कहना है कि यह स्कूल सोसायटी के नौंदे ने उन्होंने सोसायटी वालों स्कूल नूं खुला रखने लिए किया तो इसे लिए छुट्टियां नहीं की गई। ट्रैफिक पुलिस वालों फाजिलका बोहर रोड से नाकाबंदी करके वाहनों के चलान कटे गए। इस मौके जानकारी देंदियां ट्रैफिक इंचार्ज एएसआई पवन कुमार ने दस्सिया कि इस नाकाबंदी दौरान अधूरे कागजात बिना सीट बैल्ट बिना नंबरी वाहन से बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटा वाले वाहनों नूं रोक के उन्हां दे चलान कटे गए ने। इस मौके ट्रैफिक इंचार्ज पवन कुमार ने विद्यार्थियों के मापिया सने होरना शहर वासियों को अपील की है कि वह अपने 18 साल तो घट उम्र के बच्चों को वाहन चलाने की आग्ञा ना दे। पंजाब सरकार वालों हर संभव उपराला किया जा रहा है कि हाड़ां दी मार हेठ आए लोगों की वध तो वध मदद की जाए। इन शब्दों का प्रगटावा फाजिलका तो विधायक नरेंद्रपाल सिंह सवना ने हड़ प्रभावित पिंडों में जाके राहत समगरी पहुंचाने मौके किया। इस मौके उन्होंने दसिया कि पहलों के मुकाबले पानी का पद्धर 2 फुट घट गया, जदों कि इस विच होर कमी आने की आस है। उन्होंने कहा कि पानी कारण सड़कों नूं बहुत नुकसान होया ते सरकार वालों सड़कों का आरजी रिपेयर करवा के इन्हों आवाजाई लिए खोलिया जाएगा। नाल ही उन्होंने कहा कि लोगों के हुए नुकसान लिए सरकार वालों ढुकवा मुआवजा भी दिता जाए। हालात जिहड़ा पानी है पहले नालों 2 फुट तो थोड़ा जहा ज़्यादा जिहड़ा घट चुके है और सड़कों की कनैक्टिविटी अजे बहाल नहीं हुई है। जिहड़ा मेन अपना कावां वाली पुल है उस तो अगली साइड जो सड़क है वह टुटी है, थोड़ा थोड़ा पानी वो उत्तों वग रहा है हजे 1-1.5 फुट है। वो उम्मीद है कल तक पानी वह भी उतरूगा क्योंकि पिछों जिहड़ा पानी जिहड़ा 3.25 लाख हुसैनी वाला तो 3.25 लाख क्यूसिक चलिया सी अज वो जिहड़ा घट के 1,30,000 क्यूसिक रह चुके हैं और उम्मीद है कल तक होर जिहड़ा पानी थले जिहड़ा लैवल होगा और उस तो बाद सड़कां दी असी रिपेयर करांगे। रिपेयर होने तो बाद जिहड़ी व्हीकलां दी है जिहड़े साधन ने अपने ट्रैक्टर ट्राली है जां कोई होर व्हीकल ने उन्हां दा उत्थे जिहड़ा आउण जाण शुरू होगा
उस तो बाद जिहड़ा कोई राशन है कोई एनिमल फीड है या कोई होर पीने वाला पानी है वह व्हीकलों राही उत्थे पहुँचूगा। जिहड़ा हुण है हुण असी किश्तियां राही राशन एनिमल फीड या कुछ भी है रा समगरी पहुँचा रहे हैं। और मैं धन्यवाद करदा साढ़े वीर अजीत जी ज्योति फाउंडेशन तो जो अज सवेर तो ही इन्हां लोकां दे पिंडां दे लोकां नूं आपदे वल्लों जिहड़ी ज्योति फाउंडेशन वल्लों अपनी टीम नाल राहत समगरी पहुँचा रहे ने जिहदे विच राशन है प्रोपर एक घर का तकरीबन 10 दिन का राशन है। उस तो अलावा महिलावां नूं जो सब तो ज़्यादा जरूरत है सैनेटरी पैड। गढ़शंकर के ब्लाक मालपुर के पिंड नमोलिया में चल रही नजायज माइनिंग वाली थां ते पहुंच के भाजपा नेता निमिशा मेहता ने पंजाब की सूबा सरकार ते नजायज खनन नूं सह देने का दोष लाया। माइनिंग वाली थां ते मालपुर थाने के इंचार्ज बजिंदर सिंह मल्ली अपनी पुलिस टीम नूं नाल लेके पहुंचे ते माइनिंग वाली थां का जायजा लिया। माइनिंग करने वाले ते कार्रवाई करने की गल कही। इस मौके निमिशा मेहता ने दसिया कि पिंड नमोलिया की जसबीर कौर के खेतों के नेड़े 8 एकड़ जमीन में सरकार की मिली भुगत नाल 15 to 20 फुट के करीब माइनिंग हो रही है। निमिशा मेहता ने दसिया कि सरकार ते पुलिस प्रशासन की मिली भुगत नाल ये नजायज माइनिंग की जा रही है जिस कारण जसबीर कौर के खेतों का भारी नुकसान होया। निमिशा मेहता ने चेतावनी दी कि जेकर माइनिंग बंद ना हुई तो वह संघर्ष करेंगे। इस मौके घटना स्थान से पुजे SHO मालपुर बलजिंदर सिंह मल्ली ने कहा कि मामले की पड़ताल करेंगे ते संबंधित व्यक्तियों खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सतलुज दरिया विच आए हड़ां दे कारण फिरोजपुर दे बार्डर एरिए विच पानी ने भारी तबाही मचाई है जिसके चलद आढ़ती वर्ग पिछे नहीं हटिया। आढ़ती वालों हड़ पीड़ितों वास्ते घरेलू राशन मुहैया करवाया गया ते लोकां नूं हर संभव मदद देने का भरोसा दिता। फिरोजपुर सिविल हस्पताल च मुर्दा घर च रखे सारे फ्रीजर खराब होने कारण लोग लाशां नूं सिविल हस्पताल के बाहर सड़क ते रखण लई मजबूर ने। परिवार बाजार चों बर्फ लिया के लाश नूं संभाल रहे ने। दस दिए कि सिविल हस्पताल विच कई फ्रीजर खड़े ने पर उन्हां ते लिखिया होया कि मशीन खराब है। यह तस्वीर सरहदी जिले फिरोजपुर की है जिथे विल्सन नां दा व्यक्ति रात समय अचानक बीमार हो गया जिसनों नज़दीकी सिविल हस्पताल लिजाया गया। उत्थे उसकी मौत होने तो बाद उत्थे मौजूद डाक्टरां ने उसके साथियों नूं दस्सिया कि उसके परिवारक मैंबर फिरोजपुर तो बाहर रहिंदे ने ते अज रात उसकी मृतक देह नूं सिविल हस्पताल के मुरदा घर विच रखवाया जाएगा। पर फिर उत्थे मौजूद डाक्टरां वल्लों उन्हां नूं इह दस्सिया गया कि मुरदा घर विच रखे सारे फ्रीजर खराब हो चुके ने ते उन्हां कोल इस लाश नूं रखण दा कोई प्रबंध नहीं है जिस कारण मृतक की लाश नूं सड़क ते ही बर्फ मंगवा के रखवाया गया। बीबी कौला जी भलाई केंद्र ट्रस्ट तरन तारण रोड श्री अमृतसर ट्रस्ट भाई गुरु इकबाल सिंह ते भाई अमरदीप सिंह वालों विशेष कीर्तन समागम 26 अगस्त दिन शनिवार समा शाम 5 बजे तो रात 9 बजे तक करवाया जा रहा है जिस विच भाई गुरु इकबाल सिंह ते भाई अमरदीप सिंह कथा कीर्तन द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। भाई अमरदीप सिंह ने दस्सिया कि समागम विच सिख पंथ दीआं महान शख्सीतां संत महापुरख सिंह साहिबान भी पहुंच के गुरजस द्वारा संगतां नूं निहाल करनगे। धन गुरु रामदास जी धन बाबा दीप सिंह जी सत सिंह जी आप जी सुने वाले बेनती है 26 तरीक दिन शनिवार शाम को 5 बजे तो राति 9 बजे तक बीबी कौला जी भलाई केंद्र तरन तारण रोड श्री अमृतसर साहब विखे एक विशेष समागम रखा गया जिद दास भी महापुरख भी हाजरियां भरनगे। मेरी सारे परिवारक मैंबरों जेडे रोज तुसी कीर्तन के नाल जुड़ते हो सारिआं दे चरणां विच सनेमर बेनती हुम हुमा के परिवार समेत जो दर्शन देने की कृपालता करनी और ये समागम के विशेष करके बाबा दीप सिंह जी ने अपन बख्शिश दी मुठा खोलनिया ने क्योंकि जप तप समागम भी है ना और सबनों पता है जो जप तप समागम होंगे तो बाबा दीप सिंह जी किमें एक एक दे बंधन कटते हैं एक एक दी झोली नहीं भरते एक एक झोलियां भरन वाला बनाते हैं। इस करके मेरी बेनती आओ अपने अपने बंधन कटवाइए और बाबा दीप सिंह जी खुशियां प्राप्त करिए। हुण नज़र मारदे हां अज दे मौसम दे हाल दे वल।
ਜਨਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।